तो पहले अपने है ना ऐसे करते हैं, क्लैट का जो सिलेबस है एक बार वो दोबारा देख लेते हैं। आइडिया है क्लैट के सिलेबस में क्या क्या आता है? अपने ने तो कर ही चुके हैं। सुमन मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। क्लैट में क्या है ना, एक तो इंग्लिश आएगा पहला, इंग्लिश में क्या है रीडिंग कम्प्रिहेंशन आएंगे, यानी अपने को कुछ पैसेज दिए होंगे वो पैसेज समझने हैं अपने को और फिर सॉल्व करने हैं। तो कुल मिला के 5 पैसेज होंगे जो कि अपने इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। पहले वाला जो क्लैट था उसमें क्या है कि अपने को ग्रामर के सवाल भी पूछ लेते थे, पर अब वालों पे है सिर्फ अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन है और कुछ वोकैब भी सवाल आ रहे हैं, तो अपने को आइडिया भी लगा सकते हैं अपने कि जैसे मान लो अपने को सेकंड लाइन में कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसका 7 वालों से मीनिंग निकाल दो। पर अच्छा क्या होगा कि अपने वोकैब को भी याद कर लें और स्ट्रोंग कर लें तो अपने ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो अपना सेक्शन है वो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है जो जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तीसरा अपना लीगल है, ठीक है, चौथा है अपना रीजनिंग और जो लास्ट है वो है क्वांट। अब देखो इस पेपर को अगर अपने को क्रैक करना है ना तो अपने को एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है। वो क्या है कि अगर अपने को इंग्लिश है तो अपना पूरा का पूरा जो 5ों सेक्शंस हैं वो पैसेज बेस्ड ही आएंगे। पैसेज मतलब कि अपने को एक दिया होगा पैराग्राफ 450 वर्ड्स का, उन 450 वर्ड्स को अपने को समझना है, कंप्रिहेंड करना है और उसी में अपने सारे सवाल हैं के जवाब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके को छोड़ के, नहीं तो जीके भी अनसीन नहीं होगा। जीके में क्या होगा, आपने को कुछ न्यूज दी होगी पैसेज से रिलेटेड और उस न्यूज के अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो आत्मनिर्भर भारत क्या है वो अपने को बता दिया। अब आत्मनिर्भर भारत के बारे में 5 सवाल अपने को दिए होंगे, वो पढ़ के वो अपने को याद करके जाने हैं, यानी एक ही सेक्शन है जीके जो अपन को याद करना है, बाकी जितने भी सेक्शन हैं वो क्या करेंगे अपने सिर्फ पैसेज को यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज अपने लीगल के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल पहले बेसिक्स सब पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अपने कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और कैसे अपने को उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उससे पहले किसी को कोई डाउट हो क्लैट के बारे में तो बताओ मुझे। देखो क्लैट के बारे में वो तो बताइए, एनएलयू के लिए एग्जाम है अपना, एंट्रेंस टेस्ट, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही हुआ 1 नंबर मिलेगा, एक गलत हुआ तो -0.25, ठीक है। कोई मिनिमम नहीं है कि इंग्लिश में इतने मार्क्स लाने हैं आपको, जीके में इतने लाने हैं, मैथ्स में इतने लाने हैं या फिर रीजनिंग में इतने लाने हैं। ओवरऑल जो अपनी कट ऑफ है वो रहेगी। जैसे मैंने जब क्लैट दिया था क्लैट 2017 में, तो उस टाइम जो क्लैट का पेपर था ना वो 200 मार्क्स का होता था। अब हमारे वाले टाइम में जो पेपर करवाया था वो एनएलयू वेस्ट बंगाल ने करवाया था, तो उस टाइम क्या हुआ पेपर बहुत लंबा आया, ठीक है, और साथ में जो ये 200 मार्क्स का पेपर है ना, ठीक है, वो 200 मार्क्स के पेपर में लंबे लंबे क्वेश्चन थे। अब सब बच्चे देख के घबरा गए कि भाई इतना बड़ा पेपर है, इतना टफ है, लेकिन उस पेपर में कट ऑफ ही बहुत कम गई। उस वाले पेपर में 87 कट ऑफ गई थी सिर्फ लास्ट में, ठीक है, यानी जिसके 87 आ गए, ठीक है, उसको मिल गया एनएलयू। और अपने को बस यही ध्यान रखना है, मेरा उस टाइम आया था 116 स्कोर, ठीक है, तो मेरे को उस टाइम एनएलयू मिल गया। तो अपने को ये नहीं घबराना कि भाई पेपर टफ है, टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है, ठीक है। लीगल शुरू करें अपने, चलो देखो लीगल में क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, उनमें से पहला टॉपिक है टोर्ट्स, ठीक है। अब टोर्ट्स है क्या पहले अपने वो समझते हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। देखो अब तुम लोग बैठे हो, 5 जने अपने जो भी बैठे हैं यहाँ पे, तो हम सब की है ना ड्यूटी है अपने 7 वालों की टेक केयर करना, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दे रखी है कि आप जो करना चाहो वो करो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि टोर्ट्स क्या बोलता है कि आप उस पावर को एक्सीड नहीं करना कि जिससे 7 वालों को दिक्कत होने लग जाए। जैसे मान लो मेरे पास है राइट कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, ठीक है, पूरे इंडिया में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रात को बिना पूछे अमिताभ बच्चन के घर चला जाऊँ, ठीक है, और ये बोल दूँ कि भाई मेरे पास राइट है, ठीक है, तो वो टोर्ट्स का ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना टोर्ट्स में ना इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। इंटेंशन क्या होता है कोई बताएगा, किसको अपने इंटेंशन बोलते हैं? जैसे मान लो मैं सोच समझ के कुछ कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो सुमन आई, सुमन ने पूछा सर क्लासरूम कहाँ है लीगल की, मैंने कहा तुम ना उस वाले रूम में जाओ, ठीक है, और उस रूम में खड्डा था उसमें वो गिर गई, ठीक है। अभी तो मैंने जानबूझ के कुछ किया ना, ठीक है, तो ये मैंने इंटेंशन फुली किया है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि सुमन ने पूछा सर क्लासरूम कौन सी है, मैंने कहा वो वाली क्लासरूम है, ठीक है। अब वो वाली क्लासरूम है वो वहां गई, ठीक है,
वहां पे जाके वो बैठी, ठीक है, और अचानक से पंखा सिर पे गिर गया। अब वहां पे कोई मेरी इंटेंशन थोड़ी थी कि पंखा गिरे, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है ना कि कोई भी मेरी प्रीमाइसेस में आ रहा है मैं उसका टेक केयर करूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी अपनी इंटेंशन गलत होगी ना, देखो दो वर्ड्स आएंगे हमेशा पेपर में, एक बार मैं लिखवाई देता हूँ तुम्हें, एक वर्ड आएगा बोनाफाइड और जो दूसरा वर्ड आएगा मेलाफाइड। हमेशा ध्यान रखना, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड इंटेंशन और मेलाफाइड का मतलब होता है बुरी इंटेंशन। अगर कोई आदमी बुरी इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहा है तो वो किस में जाएगा, क्राइम में जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी इंटेंशनफुली कुछ नहीं कर रहा गलत, ठीक है, लेकिन उसने कोई आम काम गलत कर दिया तो वो किसका ब्रीच कर रहा है, टोड का ब्रीच कर रहा है, ठीक है। अपने एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो मैंने ना क्या किया कि अपने एक कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, कुत्ता क्या फेरोशियस डॉग है, ठीक है। अब मैंने कुत्ता पाल रखा है वहां पे, अब वो कुत्ता क्या करता है, जाता है, ठीक है, और साथ में अभिजीत बैठा है उसको काट के वापस आ गया, ठीक है, ये हुआ है। अब तुम बताओ क्या मेरी लाइबिलिटी है उसमें। अब वैसे देखें एक बात, अपने ये देखें मेरी क्या इंटेंशन थी कि भाई मैंने ऐसे बोला था कुत्ते को जाओ और उसको काट के ले आओ, ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा किया होता तो क्राइम था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, कुत्ता जाके काट आया, लेकिन मेरी वहां पे नेग्लिजेंस थी ना कि मैंने उसको बांध के नहीं रखा, तो ये कौन सा केस बन गया, टोट का, ठीक है। जहां पे भी मैं इंटेंशनफुली कुछ मेलाफाइड एक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्राइम। इतने में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है, कोई क्राइम और टोट में फर्क समझ जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, तुम बताना ये टोट है या क्राइम है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, मैंने जैसे मान लो दीपिका है, दीपिका ने बोला कि सर पानी खाएं, तो मैंने बोला वो वाटर कूलर है वहां जाके पानी पी लो, तो मुझे पता है वहां पे 20 साल से कोई पानी बदला ही नहीं है किसी ने, वो वही का वही पड़ा है, इसने पिया और इसको बीमारी हो गई कुछ और ये कल से आई नहीं, ठीक है। अब क्या मैंने कुछ क्राइम किया या टोर्स किया है, क्राइम किया। क्यों किया क्राइम, क्योंकि यहां पे मेरी इंटेंशन है, नॉलेज भी थी, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी अपने क्राइम पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है क्या कि ये दोनों चीज कंप्लीट होनी चाहिए, क्या इंटेंशन और साथ में एक्ट। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो क्राइम नहीं होगा। जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब रणबीर कपूर है, अभी रणबीर कपूर न्यूज में था, क्यों, क्योंकि उससे शादी हुई है, ठीक है। मान लो उसकी शादी होने वाली थी आलिया भट्ट के साथ, और हमारा अभिजीत है वो आलिया भट्ट का फैन है, ठीक है। अब ये दुखी में है कि भाई आलिया भट्ट की शादी रणबीर कपूर से हो रही है, ठीक है, तो ये जाता है वहां पे वेटर के कपड़े बदलता है, ठीक है, और जानबूझ के एक जहर वाला कोल्ड ड्रिंक उसको पिला देता है, ठीक है, और रणबीर कपूर साहब मर गए, ठीक है, क्या क्राइम हुआ, हुआ है, ऑब्वियस है, इंटेंशन थी, एक्ट था, तो हमने क्या किया, क्राइम कर दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर अपने चेंज करें, ठीक है, और ऐसे दिया हो कि भाई रणबीर कपूर है, ठीक है, उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, और अभिजीत घर पे बैठा बैठा प्लानिंग कर रहे हैं क्या कि भाई मैं ऐसे करूंगा, छुप के ड्रेस पहन के चला जाऊंगा, ठीक है, और वो ड्रेस पहन के मैं वहां जाके और उसको जहर का कप पिला दूंगा। अभी सोच ही रहना, सिर्फ इसने कुछ एक्ट तो किया ही नहीं, तो क्या क्राइम हुआ, नहीं हुआ। खाली सोचना, इंटेंशन होना क्राइम नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्ट कर दिया आपने और आपके पीछे उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो वो भी क्राइम नहीं होगा। जैसे सपोज करो रणबीर कपूर की शादी है, ठीक है, उसने बोला कि भाई वेटर को कि ऐसे करो मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ, ठीक है, कौन सी ड्रिंक ले आओ, वो मान लो शराब कुछ मंगाई, ठीक है, कि वहां पे कोई एक ब्रांडेड वो पड़ी है बोतल, वो ला दो। अब उसको ये नहीं पता था कि जो रणबीर है उसको कैंसर की बीमारी है और वो एक गिलास और पिएगा तो वो मर जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक्ट तो कर दिया कि उसको शराब या ड्रग्स या जो भी चीज वो दे दी, लेकिन क्या हमारा इंटेंशन था, नहीं था, तो क्या क्राइम हुआ, नहीं हुआ। तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी क्राइम होगा। ये क्या हुआ, हाँ, ये टोट भी होगा या नहीं होगा, ये भी अपने को सोचना है। देखो टोट कब होना चाहिए, जब हम कुछ, अब वो तो खुद ही चल के हमको कह रहा है ना कि ये दे दो हमें, तो टोट भी नहीं हुआ ये, ठीक है। हमने कोई ड्यूटी ब्रीच नहीं की, हम तो वहां पे नौकर थे, वेटर है, और हमारा तो काम है सर्व करना, ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ। टोट कब होगा, जब जैसे सपोज करो आप नौकर हो, ठीक है, और उसने बोला कि मेरे को वो शराब ला दो और आपने दूसरी वाली ला दी गलती से, वहां पे आपने नेग्लिजेंस किया, तो वो टोट हो जाएगा। चलें आगे।
अपने इसको पहला जो चैप्टर है आज वो ये तो बेसिक्स तो अपने ने देखा है, आज अपने जो पहला टॉपिक है इसका वो अपने करते हैं। तुमने डिस्ट्रिक्ट का वो डैमनम साइन इंजूरिया वाला टॉपिक कर रखा है या नहीं किया? आपने 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 भी नहीं किया? हाँ तुमने, चलो रिवाइज हो जाएगा एक बार। ये बेसिक है कंसेप्ट, टोर्स को जानने के लिए दो मैगजीन्स हैं, पहले अपने वो समझेंगे फिर अपने आगे चलें, ठीक है? चलो जहाँ पे भी किसी को डाउट लगे तो मेरे को बता देना, ताकि फिर अपने आगे उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। अब देखो कोई पूछ लेना टोर्स का मीनिंग क्या है, तो टोर्स जो वर्ड है वो एक लीगल टर्म है, ठीक है? और उस टर्म को डिराइव किया हमने लैटिन टर्म से टोटम। अब टोर्ट्स में है ना दो मैगजीन्स हैं जिस पे पूरा का पूरा टोर्ट्स टिका है। पहली मैगजीन है, ये लिख लो सभी, डैमनम साइन इंजूरिया। पहले ये समझते हैं फिर दूसरे पे चलते हैं। मेरी राइटिंग एकदम माशाल्लाह है, डी ए एम एन यू एम डैमनम एस आई एन ई साइन इंजूरिया आई एन जे यू आर आई ए, ये लिख लो पहले फिर आगे चलते हैं, ठीक है? और टोटम का मीनिंग क्या होता है? ट्विस्टेड, ये भी लिख लो। टोटम का क्या मीनिंग है? ट्विस्टेड। ये लिख लो फिर अपने आगे इसको समझते हैं, लिख लिया? चलो अब इसको अपने एक बार इरेज करते हैं पूरे को और फिर अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया। तो भी देखना नहीं, लविशा आ गई हो तुमको बता देना इधर, देखो उस क्लास में हो तो वहां बैठ, ठीक है? डैमनम का मीनिंग होता है डैमेज। एक एक वर्ड लिख रहा हूं पहले मैं, फिर मैं समझा दूंगा इसको। इसको अपने बोलेंगे डैमेज। साइन का मीनिंग होता है विदाउट, और इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, ठीक है? डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है? डैमेज विदाउट इंजरी का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो मैंने कोई नुकसान पहुंचा दिया किसी को, ठीक है? लेकिन कोई किसी की लीगल इंजरी वायलेट नहीं की, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया लेकिन लीगल इंजरी वायलेट नहीं की, तो टोर्ट नहीं होगा। कैसे? जैसे सपोज करो अपने यहाँ पे फेमस स्कूल है नोजगे, एक मिनट को, ये अपने यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि जो फेमस खाने की जगह है वो कौन सा है, कौन सी जगह फेमस खाने की? अपने आगरा टिक्की है मान लो, ठीक है? आगरा टिक्की, टिक्की बेचता है, कितने की बेचता है टिक्की? मान लो कि 30 रुपए पर प्लेट, ठीक है? अब सुमन को लगा कि भाई प्लस टू कंप्लीट की है अपने ने, ठीक है? अब कब क्लैट का पेपर दोगे और कब अपने आगे जाके उसको क्लियर करेंगे, कब कॉलेज में एडमिशन होगा, कब 5 साल पूरे होंगे, कब अपने जज बनेंगे, कब क्या होगा, कब पैसे शुरू होंगे? तो क्या करते हैं अपने, तुम कौन से काम से हो? मैया वाली। तो इसने मैया वाली टिक्की खोल दी उसके सामने, ठीक है? नया अपने वो लेते हैं कलर, ठीक है? इसके सामने क्या खोल दी? मैया वाली, मैया वाली टिक्की। और रेट क्या कर दिए इसने? तो 30 रुपए पर प्लेट है, इसने सिर्फ 10 रुपीज पर प्लेट। अब ऑब्वियसली बात है वो क्वालिटी भी इसने है ना कोई यूट्यूब वगैरह से सीख लिया अच्छे से, ठीक है? वो क्वालिटी भी ये तो उसमें डाल्टा घी में बना रहा है, ये देसी घी में बना के बेच रहा है। एक बार नुकसान हो कोई बात नहीं, पर ग्राहक लेके जाने हैं सारे। तो मैया वाली टिक्की पे लाइन लगे जा रही है। यहाँ पे आगरा वाली टिक्की पे क्या था? 30 रुपए पर प्लेट में कितने लोग आते थे पहले? 1000 लोग आते थे। अब 1000 लोग आते थे, इसको कितना प्रॉफिट होता था? 30,000 का, ठीक है? अब सारे लोग खान जाने लग गए मैया वाली टिक्की पे, और ये 10 रुपए पे बेच रही है, ठीक है? और ये 1000 लोग में से 900 लोग इधर चले गए, और इसके पास सिर्फ 100 ही ग्राहक रह गए। अब इसको तो कितना नुकसान हो रहा है? 22,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसको क्या होने लग गया? मुनाफा होने लग गया, ठीक है? अब क्या ये इस पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा लो अपने ने क्या सीखा था अभी कि अगर डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, मान लिया कि सुमन ने दुकान खोली और इसको खोलने की वजह से आगरा टिक्की वाला जो था उसको नुकसान होने लग गया, लेकिन लीगल इंजरी तो वायलेट नहीं हुई ना, ठीक है? तो कोई टोर्ट्स का केस फाइल नहीं होगा,
तो डेमनम साइन इंजूरिया क्या बोलता है, अगर किसी को कोई एक्ट करने की वजह से ठीक है सामने वाले को नुकसान हो रहा हो लेकिन उसकी लीगल इंजरी वायलेट नहीं हो रही तो केस नहीं करना। जब लीगल इंजरी वायलेट होगी तभी केस होएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा इसका ऑपोजिट है जिसको अपने बोलेंगे इंजूरिया साइन डेमनम, ठीक है। इंजूरिया साइन डेमनम। क्या बोला है इसका मीनिंग तो याद ही होगा, विदाउट इसका मीनिंग डैमेज और इसका मीनिंग क्या था इंजरी। ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर लीगल इंजरी हो रही है ठीक है लेकिन डैमेज नहीं हो रहा, कैसे कि जैसे सपोज करो किसी लीगल राइट तो वायलेट हो रही है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या आप तब केस कर सकते हो या नहीं कर सकते, उस पर कंसेप्ट है ठीक है। तो क्लैट 2015 की बात है ठीक है, उसमें ये सवाल आया था पेपर में। क्या सवाल था कि मान लो अभिजीत है ठीक है, अभिजीत को वोट करना था ठीक है, किसे वोट करना था, नरेंद्र मोदी को ठीक है। मोदी के सामने कौन खड़ा हुआ है, मान लो राहुल गांधी। अब ऑब्वियस सी बात है इसको वोट करना है और इसका पहली बार अभी वोटर आईडी कार्ड बना है, 19 साल की एज है, इसको चाह भी है कि भाई बीजेपी को जिताएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी को। तो ये गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जहां पे अपने चुनाव होते हैं, वहां पे रोक लिया इसको ठीक है। और क्या बात पे रोक लिया, बिना कारण के कि भाई तुम्हारा ये कागज नहीं है, वो वाला कागज मिसिंग है। अब इसने क्या बोला, साफ साफ बोल दिया कि भाई अपने पास सारा वोटर आईडी कार्ड सब कुछ है, चेक कर लो, लेकिन फिर भी अलाउड नहीं किया। अब शाम का 4 बजे तक का टाइम था, उसको अलाउ नहीं किया, उसके बाद वो जो मशीन वगैरह वो लेके चले गए ठीक है, और अभिजीत को वापस घर लौटना पड़ा ठीक है। 4-5 दिन बाद रिजल्ट आया, कौन जीता, जिसको जिसको वोट देना था, मोदी भी जीतने क्या 10 लाख वोट ठीक है। अब क्या हुआ, अभिजीत को अभी भी था, जीत तो गया ठीक है, लेकिन अपने को तो वोट करने दिया ही नहीं ठीक है। तो ये कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके क्या बोला इसने कि भाई देखो सर मेरे को के वोट करना था, वोट करने नहीं दिया। तो वहां पे जो सामने वाला वकील है वो ये बोल रहा है आपको क्या नुकसान हुआ, कोई डैमेज तो हुआ ही नहीं, आप जिसको वोट देना चाहते थे वो तो जीत गया हा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभिजीत केस नहीं कर सकता ठीक है। क्यों, मान लिया कि डैमेज नहीं हुआ है, मान लिया यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ लेकिन इसकी लीगल इंजरी तो वायलेट हो गई, राइट टू वोट तो इसके पास था ठीक है, वोट तो वायलेट हो गया, तो क्या हुआ इसमें कि वो केस कर पाए ठीक है। इसमें कोई डाउट, चलें आगे। चलो अगला टॉपिक लिखो, आज जो अपने टॉपिक करेंगे रिवाइज, डिफेमेशन पढ़ चुके हो तुम सब ठीक है, आप लोगों ने, तुमने नहीं पढ़ा, फटाफट डिफेमेशन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफेमेशन क्या है, क्या एडिटिंग कर चुके हो आपने, चलो वाइकेडियस लाइबिलिटी ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार दोबारा लिखते हैं तो ध्यान से समझना, वाइकेडियस लाइबिलिटी क्या होता है वो समझो पहले। लाइबिलिटी क्या होता है कोई बताएगा, किसको अपने लाइबिलिटी बोलेंगे, जिम्मेदारी ठीक है। और वाइकेरियस क्या होता है, किसी दूसरे के लिए आप जिम्मेदार होंगे, उसको वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं ठीक है। यानी वाइकेरियस लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है कि कोई काम ए ने किया ठीक है लेकिन बी जिम्मेदार है उसके लिए, बी को सजा होगी। क्या ऐसा होना चाहिए, वैसे होना तो नहीं चाहिए ठीक है, पर ये कंसेप्ट आया कैसे वो समझते हैं ठीक है। देखो क्या कहानी है इस कंसेप्ट की, जब ये कंसेप्ट समझने के लिए एक आदमी है, मान लो कौन है, रोहित रोहित के हाथ में एक स्टिक है ठीक है, उस स्टिक पे उसने आग लगाई, आग लगाई तो उसने कलर भी चेंज कर लेते हैं आग वाला, यहाँ पे मान लो आग लग गई है फायर, और उसने क्या किया, एक झोपड़ी थी वो जला दी, यहाँ पे एक झोपड़ी थी ये झोपड़ी जला दी। अब रोहित क्या बोल रहा है कि भाई झोपड़ी तो स्टिक ने जलाई है,
स्टिक को सजा दो, मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मैंने तो इसको पकड़ रखा था सिर्फ, लेकिन आग तो स्टिक ने लगाई है। अब इसी कंसेप्ट से है ना वैकेरियस लाइबिलिटी आया। वैकेरियस लाइबिलिटी क्या बोलता है, जब भी कोई मास्टर है ठीक है, और मास्टर ने क्या कर रखा है, कोई सर्वेंट रख रखा है, मान लो आप दीपिका मास्टर हो, आपने कोई सर्वेंट रखा ठीक है, अगर वो सर्वेंट कोई गलती कर दे तो मास्टर भी वैकेरियस लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा, क्योंकि जो सर्वेंट है वो किसके ऑर्डर्स पे काम कर रहा है, मास्टर के ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। जैसे सर्वेंट ये है, पर सर्वेंट को पकड़ के किसने रखा है, मास्टर ने, तो मास्टर जिम्मेवार होगा अगर नौकर ने कोई गलती कर दी ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मैंने वो काम नौकर को सौंपा हो ठीक है, अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो कोई इसमें केस नहीं बनेगा ठीक है। एक बार अपने फिर से इसको समझ लेते हैं ताकि अपने इसको क्लियर कर लें। देखो बस ये बात का ध्यान रखना, मास्टर ठीक है, उसने क्या किया, एक सर्वेंट रखा ठीक है, अब जो सर्वेंट है वो कौन से क्या कर रहा है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, उसको कोई काम सौंपा हुआ है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, वो काम करते हुए गलती कर दे तो मास्टर वाइकेरियसली लाइबल होगा ठीक है। अब ये लो बना क्यों, एक बार फिर हमने इसको समझते हैं। मान लो अब अपने यहाँ पे नोजगर स्कूल है, नोजगर स्कूल के मालिक कौन है, सुदन सर है ठीक है। सुदन सर ने हायर किया अभिजीत को एज ए ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर तो बनेगा नहीं, बड़ा बनेगा, मान लो हायर कर लिया ठीक है। अब ये ड्राइवर है, ये गाड़ी चला रहा था ठीक है, अब सारा प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, सुदन सर लेके जा रहे हैं, उसको तो 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। एक दिन बेचारे ने गाड़ी ठोक दी ठीक है, गाड़ी ठोकने की वजह से क्या हुआ, जो उसके घर वाले आ गए, यानी मान लो कोई बच्चे कुचल दिया, अब बच्चे कुचलने से क्या हुआ, ऑब्वियसली उसके फैमिली मेंबर्स कंपनसेशन मांगेंगे, उन्होंने बोला 10 लाख रुपए दो सर ठीक है, हमारा बच्चा मर गया ठीक है। अब गाड़ी कौन चला रहा था, अभिजीत या ड्राइवर, क्या ड्राइवर से 10 लाख रुपए लेने चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा था, कौन लेके जा रहा था, 20-20 लाख रुपए साल के आ रहे थे, तब मालिक लेके जा रहा था, अब नुकसान हुआ तो कौन लेके जाएगा, मालिक लेके जाएगा ठीक है। तो ये कंसेप्ट है कि भाई अगर नौकर मुनाफा नहीं लेके जा रहा सारा, तो घाटा भी क्यों लेके जाए ठीक है। तो केस किस पे होएगा, मालिक पे, और जो मास्टर होगा वो वाइकेरियस से लाइबल होगा, किसके एक्ट के लिए, सर्वेंट के एक्ट के लिए। कोई डाउट इसमें, चलो आगे चलते हैं ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपने को थोड़ा सा चेंज कर दें ठीक है, और दीपिका बताएगी आंसर ठीक है। दीपिका क्या हुआ, मान लो मैं हूँ अंकुश ठीक है, अब मैं एनएलयू से आया, मैंने यहाँ पे फ्लैट की कोचिंग शुरू कर दी मान लो ठीक है, अब सारे काम मैं तो करूँगा नहीं ठीक है। अब मान लो हमने एक वैन भी रख दी ठीक है, वो वैन रख दी हमने कि भाई ड्राइवर रख दिया उसके लिए ठीक है, और हमने बोला कि आपका काम क्या है, यहाँ से वहाँ लेके जाना है बच्चों को ठीक है। अब और भी बहुत काम होते हैं, पानी पिलाने के लिए मैंने रख दिया, किसको रख दिया, रामू को रख दिया ठीक है। तो रामू का काम क्या है, पानी पिलाना, कि जो भी आए माँ बाप उनको पानी पिलाएगा रामू ठीक है। अब रामू ठीक है, और रामू बच्चों से ही फ्रेंडली हो गया ठीक है थोड़ा बहुत। एक दिन क्या हुआ, ड्राइवर छुट्टी पे था या ड्राइवर लेट था ठीक है, मान लो वहीं पे कोई लड़की थी ठीक है, उसका क्या नाम था, दीप्ति था ठीक है। अब दीप्ति को जाना था कहां पे, घर पे ठीक है, लेकिन रामू और दीप्ति के बीच में भी कुछ चल रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के बन गए ठीक है। अब ये रामू कहता है कोई क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ठीक है। तो रामू भाई अपनी बाइक पे बिठाता है दीप्ति को ठीक है, और वो ज्यादा सड़क पे उसको घर पे छोड़ने ठीक है, और तेज गाड़ी चलाता है 100 किलोमीटर की स्पीड पे, और वो क्या करता है, एक्सीडेंट कर देता है, जिसपे दीप्ति गिरती है, उसके दांत टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है, और उसका हॉस्पिटल का बिल आता है 25,000 रुपए ठीक है। अब उसने ये कहानी पढ़ी होती है, क्लैट स्टूडेंट है वो, कि ऐसा सर ने बताया था ठीक है, और वो सीधा मेरे पे केस कर देती है कि सर 25,000 रुपए दो ठीक है आप, और मेरे को इतना इतना बिल आया है, और ये खर्चे हैं, और मेरे को सारे पैसे चाहिए, आप जज हो, आप बताओ क्या उसको मिलेंगे, यानी वो क्या मुझसे मांग सकती है पैसे। हाँ नहीं, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको क्या काम सौंपा गया था, पानी पिलाने का, और ये क्या कर रहा है, ड्राइविंग। लेकिन यहाँ पे कोई ड्राइवर होता ठीक है, राहुल नाम का ठीक है, अगर वो कर देता ये चीज़ तो मास्टर लाइबल होता वैकेरियसली ठीक है। चलिए अभी इतना आसान नहीं है, अब पेपर आगे अपने देखेंगे तो कॉम्प्लिकेट क्या, इतना बच्चों वाला खेल तो आएगा नहीं पेपर में। एक कुछ केस पहला देखते हैं फिर आगे चलते हैं।
अब तुम्हें सिर्फ इसके जवाब बताने हैं। सवाल सुनो, ठीक है, बस में ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर को नींद आने लग जाती है, ड्राइवर बोलता है कंडक्टर को तुम मेरी जगह चला लो, ठीक है, कंडक्टर चलाने शुरू करता है बस और वो ठोक देता है, ठीक है। अब वो गाड़ी ठोकता है तो जो ए आदमी है वो मेरे पे केस कर रहा है, मास्टर पे, क्या मास्टर लाइबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, इसीलिए मैंने कहा था इतना आसान नहीं है क्लैट, ठीक है। दोबारा सुनो, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ठीक है, ड्राइवर का काम क्या है? ड्राइव करना, ठीक है। अब ड्राइवर को नींद आ रही है और ड्राइवर कंडक्टर से बोलता है कि कंडक्टर साहब आप गाड़ी चला लो, मैं पीछे सो लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो मेरा सर्वेंट कौन था? ड्राइवर। वो ड्राइविंग करते हुए गलती कर रहा है ना कि किसी एक ऐसे आदमी को जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको दे रहा है, ठीक है, वो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही है, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हो कि गाड़ी चला लो, ठीक है, वो कंडक्टर चलाने लगा गाड़ी, ठीक है, और वो उसने ठोक दी, तो वो भी मास्टर लाइबल है यहाँ पे। क्यों लाइबल है? क्योंकि जो ड्राइवर था, ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ, जो ड्राइवर था, ठीक है, अब देखो ड्राइवर कंडक्टर, ड्राइवर ने जब कंडक्टर को बोला ना कि भाई मेरे बिहाफ पे तू गाड़ी चला ले, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है और वो गलत काम कर रहा है, किसी को गाड़ी सौंपना। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ड्राइवर खाना खाने के लिए गया है, वो कंडक्टर खुद गाड़ी चलाने लग जाता कि भाई मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तब मैं लाइबल नहीं होता क्योंकि मैंने उसको काम सौंपा ही नहीं। पर यहाँ पे जिसको मैंने काम सौंपा है वो तो गलती कर रहा है, ठीक है, तो मैं लाइबल हूँ। फर्क समझ में आया दोनों में आपको? नहीं आया दोबारा बताता हूँ मैं। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ये बस है, वो दो कैसे आ गए, ठीक है, ये बस है, ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है। ड्राइवर का काम क्या है? चलाना। कंडक्टर का काम क्या है? टिकट काटना। अब ड्राइवर क्या कर रहा है? खाना खाने चला गया, ठीक है। कंडक्टर क्या करता है? सोचता है कि गाड़ी का मुंह इधर है, इसको घुमा के इधर कर देते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर खुद से इधर करने लगता है, उतने में एक जो लड़की होती है उसको कुचल देता है। अब वो लड़की के माँ बाप मेरे पे केस कर रहे हैं, क्या होगा? नहीं होगा। किस पे होगा? कंडक्टर पे होगा, क्योंकि कंडक्टर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं, ठीक है। दूसरा केस, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या हुआ इस वाले केस में कि भाई ड्राइवर, पहले वाला केस ही वो, ड्राइवर ने कंडक्टर को खुद को बोला कि भाई तुम ऐसा करो मेरे बिहाफ पे चला लो। अब यहाँ पे मेरा जो नौकर था ना वो गलती कर रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पे मैं लाइबल हूँ, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी भी कोई बस का सवाल आए तो अगर आपने किसी को भी लिफ्ट दे दी तो आप जिम्मेवार हो, मालिक जिम्मेवार है, चाहे हमने उसको बोला था या नहीं बोला था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन सबका गलत होता है, मेरा भी क्लैट में गलत हुआ था। बस है, बस पे लिखा हुआ है क्या? नोजगे पब्लिक स्कूल, ठीक है, लिख रखा है ओनली फॉर नोजगे एम्प्लॉइज, ठीक है। अब क्या हुआ, सुखाड़िया सर्कल पे एक ग्लूमी डेज का टीचर बैठ गया, बस का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब एक्सीडेंट हुआ तो 20 जनों को चोट आई। अब जो मालिक है वो कह रहा है कि जो नोजगे वाले टीचर्स थे ना उनको तो मैं पैसे दूंगा, ब्लूमी डेल्स वाले को नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा लोग क्या बोलता है, अगर आपने किसको लिफ्ट दी है तो आपका कंडक्टर केयरलेस था कि उसने चेक नहीं किया, ठीक है, और अनजान आदमी को बिठा लिया, तो भी आप लाइबल हो, ठीक है। तो कोई भी आदमी, चाहे हमने कितना बड़ा बोर्ड लगा रखा हो ओनली फॉर रिलायंस एम्प्लॉइज, ओनली फॉर, जैसे मान लो कोई भी अपने ने लगा रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रेंजर आके बैठ रहा है उसको चोट पहुंच रही है तो आपकी जिम्मेवारी है, चाहे कितने ही बड़े नोटिस बोर्ड, ठीक है। चले आगे, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सबका गलत होता है। इसमें क्या है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये याद करने वाले का सवाल, एक कंसेप्ट को समझते हैं। ये मेरा ऑफिस है, अब मैंने क्या किया, मेरे ड्राइवर को बोला कि ड्राइवर साहब ऐसे करो कि तबिशा को यहां पे छोड़ाओ, एयरपोर्ट छोड़ा, वो जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है। अब ऑफिस में जो ड्राइवर है वो जा रहा है,
लविशा को छोड़ दिया, ठीक है। अब वो जैसे ही लविशा को छोड़ के इतनी दूरी आया था यहाँ पे, उसको एक उसकी कोई पुरानी चाचा का लड़की मिल गई, उसका नाम क्या था, शुभी, ठीक है। शुभी कहती अरे कहाँ जा रहे हो तुम, वो कहते हैं कि मैं अभी लविशा को बांध छोड़ के आया हूँ, मेरे को तुरंत ऑफिस जाना है। उसने बोला पागल हो गया, मेरा क्लैट का पेपर है, मेरे को बस नहीं मिल रही, ठीक है, और मैंने जयपुर सेंटर पर रखा है तो मेरे को जयपुर छोड़ के आओ। अब ये बेचारा एयरपोर्ट से सोचता है जयपुर चलते हैं, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, जयपुर छोड़ने। अब जैसे आधे रास्ते में था वहां पे एक्सीडेंट हुआ और शुभी की चोट आ गई यहाँ, ठीक है, शुभी ने मेरे पे केस कर दिया, नहीं होगा या होगा, मैं लाइबल। अब मैं लाइबल नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऑफिस है, ठीक है, मैंने ड्राइवर को बोला लविशा को छोड़ा, ठीक है, अब ये लविशा को छोड़ने के आया, ठीक है, जैसे वो आ रहा था वापस, अब यहाँ पे उसको और मिला दृष्टिका मिल गई, ठीक है। दृष्टिका ने बोला, पूछा इससे तुम कहाँ जा रहे हो, उसने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसने बोला कि ऑफिस के साथ में ही मेरा घर है एकदम बिल्कुल वहीं, तो मेरे को ऑफिस में छोड़ देना। अब वो बेचारा इसको यहाँ तक लेके आया पूरे रास्ते और यहाँ एक्सीडेंट हो गया, अब क्या मैं लाइबल हूँ, अब मैं होऊंगा, क्योंकि रूट सेम है। अगर रूट सेम होगा तो क्या होगा, मास्टर लाइबल होगा, रूट चेंज हुआ तो मास्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई डाउट इसमें, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ तो अपने चेक करेंगे कि रूट सेम है या नहीं है, अगर उसने सेम रूट में है, वो उसी रूट में आ रहा था एक्सीडेंट हुआ, तो हम क्या होंगे, लाइबल। अगर वो हनुमानगढ़ चला गया, जयपुर चला गया, तो अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। दोबारा किसी को कोई डाउट हो फिर बताओ, फिर इससे पहले अपने आगे नहीं जाएंगे नहीं तो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं छोटा सा, फिर इसको खत्म करते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो सपोज करो मैं मालिक हूँ, ठीक है, और मेरा सर्वेंट चोरियां कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो क्या मैं लाइबल हूँ या नहीं हूँ। मान लो मैंने किसी को बोला, मैं मास्टर हूँ, मैंने बोला ऐसा करो कि केसर मार्ट से है ना, ठीक है, कुछ मैगी के पैकेट्स ले आओ, आज बच्चों को पार्टी देनी है, ठीक है। अब वो जाता है तो वहां पे होता है ना ओपन की, जो सामान लेना है वो पैक करो और ले लो, ठीक है। अब दृष्टिका जाती है, दृष्टिका मैगी तो उठाती है और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी उठा लेती है और थोड़ा भुजिया का पैकेट भी पैकेट में डाल कर ले आई, वहां पे उसको पकड़ लिया दृष्टिका को कि भाई तुम ये क्या लेके जा रही थी। अब क्या उससे मैं लाइबल हूं या नहीं हूं, मालिक लाइबल होगा या नहीं होगा। हाँ मैंने तो मैगी का ही बोला था, पर हाँ ये चीज का ध्यान रखना, अगर पैसेज में ऐसा दिया होगा कि क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मास्टर लाइबल है या नहीं है, जनरली नहीं होता। अब मान लो दृष्टिका की बहस हो जाए, वो चाकू मार दे उसको मालिक वाले को, ठीक है, तो क्या मैं जेल थोड़ी जाऊंगा, मेरी राइट है सिर्फ कंपनसेशन देने की, ठीक है, पर क्रिमिनल ऑफेंस या कुछ भी होगा तो दृष्टिका ही जेल काटेगी, अपना कोई ठेका नहीं है, ठीक है। तो आज अपने इसको इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जब अपने क्लास में आएंगे तो अपने उसको आगे टॉपिक कर लेंगे, ठीक है।